जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी ने स्पष्ट किया कि कल उनकी फायरिंग रेंज से नहीं हुआ था कोई भी मोर्टार शेल फायर। ओडिशा में मिला कैमरे के साथ इक्विप्ड एक कबूतर। इंडियन नेवी को चाहिए सुपर कैरियर लेकिन बजट की कमी। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की है संभावना और 2030 तक यूएस एयरफोर्स शामिल करेगी 206 जनरेशन के फाइटर्स। कल 8 मार्च को कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि फायरिंग रेंजेस में प्रैक्टिस के दौरान इंडियन आर्मी का एक मोर्टार शेल गुलारवेड गांव में घर के बाहर जाकर गिरा था और जिसमें 3 सिविलियंस के जान जाने की रिपोर्ट है और कई लोग घायल भी हुए हैं। तो इस इंसिडेंट को लेकर आज इंडियन आर्मी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बिहार के गया जिले में जो देवरी डुमरी फायरिंग रेंज है, तो कल 8 मार्च को वहां से कोई भी मोर्टार नहीं दागा गया था। और आर्मी की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि मीडिया के कुछ सेक्शंस के द्वारा इस घटना को गलत तरीके से पेश किया गया है कि जो 3 मौतें हुई हैं वो आर्मी के मोर्टार फायरिंग से हुई है। लेकिन आर्मी ये स्पष्ट करती है कि कल 8 मार्च को देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंजेस में कोई भी मोर्टार नहीं दागा गया है। और इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि आर्मी जब भी मोर्टार दागने का कोई भी अभ्यास करती है तो उससे पहले पुलिस और प्रशासन से मंजूरी लेनी होती है और कल 8 मार्च को मोर्टार फायरिंग के लिए ऐसी कोई भी मंजूरी नहीं मांगी गई थी। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो जमीन में एक गोल आकार का छेद दिखाकर वायरल किया जा रहा है और इसे मोर्टार शेल के इम्पैक्ट पॉइंट के रूप में दिखाया गया है, तो वो दावा भी गलत है क्योंकि मोर्टार शेल के विस्फोट ऐसे कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं। और बाकी इंडियन आर्मी इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए किसी भी जांच का समर्थन करने के लिए तैयार है और इस विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। और आर्मी ने फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश के खतरे और ऐसे स्थानों से अवैध रूप से कबाड़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को लेकर भी लोगों को आगाह किया है। आर्मी की तरफ से कहा गया कि ऐसा करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी आपको बता दें कि इस हादसे में जिन 3 लोगों की जान गई है तो वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 स्त्री हैं। और हादसे में घायल 2 स्त्रियों सहित 3 लोगों को इलाज के लिए गया में स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अगर ये विस्फोट मोर्टार शेल से नहीं हुआ है तो फिर किस वजह से हुआ है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अभी हाल ही में एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट में इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि भारत और चीन के संबंध जो कि 2020 के बाद से काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो ऐसे में एलएसी के साथ दोनों ही देशों के द्वारा अपने अपने मिलिट्री पोस्चर को एक्सपेंड किए जाने से दोनों देशों के बीच एक बड़ा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के जोखिम को पैदा करता है जो कि यूएस के लोग और उनके हितों के लिए सीधे तौर पर खतरा है। और इसलिए इस रिपोर्ट में इस मामले पर यूएस को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जो ये रिपोर्ट है ये कल 8 मार्च को रिलीज की गई थी और इस रिपोर्ट में केवल भारत चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बल्कि इसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को भी पॉइंट आउट किया गया है। जैसे कि इस रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान का भारत विरोधी उग्रवादी समूह का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के इस तरह की उकसाने वाली हरकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले की तुलना में अब के समय भारत द्वारा सैन्य बल के साथ जवाब देने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इस रिपोर्ट में इन दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच एक बढ़ते हुए जोखिम पर भी विशेष चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन इसमें एक होपफुल नोट के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान शायद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं और इसलिए दोनों पक्षों द्वारा 2021 की शुरुआत में LOC पर सीज फायर को भी रिन्यू किया गया था। बाकी इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने लश्कर और खालिस्तानी समूह को पाकिस्तानी सेना और उनकी ISI के समर्थन का मामला उठाया है, तो इसके उत्तर में यूएस ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि कोई भी समूह जो कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है तो हमारे लिए वो हमेशा एक चिंता का विषय है और ये कुछ ऐसा है जिस पर हम यूएस पाक काउंटर टेररिज्म डायलॉग के संदर्भ में चर्चा करते हैं। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के पारादीप तट के पास एक ऐसा कबूतर पकड़ा गया है जिसमें कैमरा और माइक्रोचिप लगे हुए थे और पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक उन्हें इस बात का संदेह है कि इस पक्षी का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले कुछ मछुआरों ने समुद्र में मछली पकड़ते समय इस कबूतर को अपनी नाव पर बैठा हुआ पाया था, तब उसी समय उन्होंने इस कबूतर को पकड़ा था और फिर उसके बाद ये कबूतर मरीन पुलिस को सौंपा गया है। अब बाकी इस कबूतर में जो कैमरा और माइक्रोचिप जैसे डिवाइसेस लगे होने की बात की जा रही है, तो ये एक्चुअल में किस पर्पस के लिए लगाए गए थे, ये कबूतर कहाँ से आया था, कौन इसे ऑपरेट कर रहा था, तो इन सारी चीजों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। बाकी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कबूतर के पंखों पर किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा भी हुआ है जिसे स्थानीय पुलिस समझ नहीं सकी है और इसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जासूसी करने या किसी पर निगरानी रखने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करना आज के समय में कोई नई टैक्टिक नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मिलिट्री प्रोजेक्ट है जिस पर और भी देश काम कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है स्पाई बर्ड्स। और पिछले साल दिसंबर में ऑली में कंडक्ट की गई भारत और यूएस आर्मी की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
युद्ध अभ्यास के दौरान इंडियन आर्मी ने भी अपनी इसी तरह की कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया था, जिसमें आर्मी की तरफ से उनकी एंटी ड्रोन काइट डेमोस्ट्रेट की गई थी, जिसका नाम है अर्जुन। और इस अर्जुन का इस्तेमाल केवल दुश्मन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि बॉर्डर एरियाज पर सर्विलेंस करने, सभी तरह की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने, तो इस तरह के पर्पस के लिए भी किया जाता है। आज गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी विजिट किया है, और INS विक्रांत पर अपनी इस विजिट के दौरान उन्होंने LCA नेवी के कॉकपिट को भी एक्सपीरियंस किया है। और INS विक्रांत पर अपनी विजिट के बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि मैं भारत द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए न्यूली कमीशन INS विक्रांत पर आज यहां आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, और मेरी ये विजिट पैसिफिक और उसके बियॉन्ड भारत के प्रति ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच के बारे में मेरी सरकार की कमिटमेंट को भी दर्शाती है। और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को हमारी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया है। और बाकी जैसे कि इस साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज की मेजबानी करने के लिए तैयार है, और जो कि इस एक्सरसाइज में भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री का कहना था कि इस एक्सरसाइज के लिए अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन नेवी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और आज यहां हमारी मेजबानी करने में उनकी उदारता के लिए मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देता हूं। और जबकि आज भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट के साथ भी बात करी है, और इस दौरान दोनों देशों के डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की कमिटमेंट को दोहराया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि अब इंडियन नेवी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए केस तैयार कर रही है, जिसे भारत सरकार के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। हालांकि नेवी को रिक्वायरमेंट है एक सुपर कैरियर की, जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 65,000 टन तक का होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आपके पास बजट भी अच्छा होना चाहिए, और जो कि फिलहाल अभी उतना नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी कम कॉस्ट के साथ ही सही लेकिन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है। और जैसे कि पहले रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं कि इंडियन नेवी INS विक्रांत के ही एक रिपीट ऑर्डर पर भी विचार कर रही है, ताकि उनके सर्विस में कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सुनिश्चित किया जा सके, और जिससे अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में भी रहता है तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ऑपरेशनल कंडीशंस में रहेंगे। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर से कर्नल गीता राणा पूर्व लद्दाख सेक्टर में आर्मी की इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ ही समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से कमांड रोल्स के लिए विमेन ऑफिसर्स को भी क्लियरेंस दे दिया गया था, तो उसी के तहत कई सारे विमेन ऑफिसर्स को कमांड रोल के लिए पोस्ट किया जा रहा है। और अब आर्मी ने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ आयोजित होने वाली ज्वाइंट एक्सरसाइजेस में विमेन सोल्जर्स को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और बाकी इसी तरह से कर्नल मधु राणा को भी डेजर्ट अरेनर्स को कमांड करने के लिए चुना गया है, जो कि डेजर्ट और कच्छ रीजन में कॉम्बैट कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार रहेंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन नेवी की मेजर ऑपरेशन लेवल की एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2023 तो ये भी इस सप्ताह अरेबियन सी में अब समाप्त हो चुकी है। बता दें कि ट्रॉपेक्स 2023 नेवी का सबसे लार्जेस्ट वॉर गेम था, जो कि नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक लगभग 4 महीनों तक चला है। और इस एक्सरसाइज में 70 शिप्स, 6 सबमरीन्स और 75 से अधिक एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था, और इस दौरान 21 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल से भी अधिक की डिस्टेंस को कवर किया गया। इसके अलावा अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना की आर्म्ड फोर्सेस को और भी अधिक तेजी से विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप और भी एडवांस बनाने के लिए कहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनी राष्ट्रपति की तरफ से ये स्टेटमेंट कल बुधवार को उनके वार्षिक संसद सत्र में दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह सामने आया कि US एयरफोर्स ने 2030 तक करीब 206th जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर्स को खरीदने का उद्देश्य बनाया है। और US एयरफोर्स के जो ये 6th जनरेशन के फाइटर्स हैं, तो ये US के F-22 रैप्टर्स की जगह लेंगे, जो कि 2030 तक डीकमीशन होने वाले हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में पूर्व लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर एल रैम्बो सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर वॉयलेशन में सिपाही दीपक जगन्नाथ घाटगे ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार जागीर सिंह और हवलदार लश्कर सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, और हवलदार लश्कर सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि बैटल ऑफ गरीबपुर कौन से युद्ध से जुड़ा हुआ है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।